दोस्तों, दिवाली पर औरत का ये अंग चाट लो, माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाएंगी। जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिन्हें करने से आप माँ लक्ष्मी कृपा पा सकते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग नए नए सिद्ध टोटके करते हैं, लेकिन आपको कोई भी टोटका करने की जरूरत नहीं है। आप बस इन बातों का ध्यान रखें और मेरे द्वारा बताए गए बातों का ध्यान रखते हैं तो आप माँ लक्ष्मी की कृपा बड़ी आसानी से पा सकते हैं। माता लक्ष्मी कभी नहीं चाहती कि हर व्यक्ति उनकी तंत्र मंत्र या सिद्धि से पूजा करे। बस जो भी व्यक्ति माता लक्ष्मी को मानता है उसकी श्रद्धा, उसका मन सच्चा होना चाहिए और जो भी भाव से माता लक्ष्मी को मानता है उनकी हर मनोकामना माता लक्ष्मी जल्दी पूरा करती है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनती है कि अगर आप माता लक्ष्मी को मानते हैं, दीपावली पर उनकी पूजा करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आचार्य चाणक्य कहते हैं जिस व्यक्ति की पत्नी में ये गुण होते हैं उसके पति का बेड़ा पार हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऐसे कौन से गुण हैं जो पत्नी में होने चाहिए। आचार्य चाणक्य ने पुरुष, स्त्री, बच्चे और बुजुर्ग हर वर्ग के बारे में अपने विचारों को साझा किया है। यदि व्यक्ति आचार्य चाणक्य की इन बातों पर गौर करे तो वो अपने लिए एक श्रेष्ठ जीवन साथी, श्रेष्ठ मित्र आदि ऐसे तमाम रिश्तों का चुनाव आसानी से कर सकता है। महान कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री के रूप में विख्यात आचार्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ चाणक्य नीति में पुरुष, स्त्री, बच्चे, बुजुर्ग हर वर्ग के बारे में अपने विचार बताए हैं। आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के तीन ऐसे गुणों का वर्णन किया है जो उसे श्रेष्ठ बनाता है। जिस भाग्यशाली व्यक्ति की पत्नी में ये गुण होते हैं उन पुरुषों का बेड़ा पार बहुत आसानी से पार हो जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कौन से तीन गुण हैं। दोस्तों, जिस महिला में विनम्रता और दयालुता ये दो गुण होते हैं वो महिला खुद तो समाज में सम्मान पाती है, साथ ही अपने परिवार को भी सही दिशा देती है। वो परिवार के सभी रिश्तों को आपस में जोड़कर रखती है और बच्चों को बेहतर संस्कार देकर योग्य बनाती है। नंबर दो, जो स्त्री धर्म का पालन करने वाली होती है वो सही और गलत का भेद अच्छी तरह से समझती है। ऐसी स्त्री का रुझान हमेशा सत्कर्मों की ओर ही होता है। वो कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ती और सभी की भलाई के बारे में सोचती है। ऐसी स्त्री सिर्फ परिवार का ही नहीं बल्कि कई पीढ़ियों का कल्याण कर देती है। नंबर तीन, आचार्य चाणक्य ने धन को सच्चा मित्र बताया है। यही वो मित्र है जो बुरे वक्त में आपका साथ निभाता है। जिस स्त्री में धन के संचय करने की आदत होती है वो पूरे परिवार की रक्षा करने वाली होती है। उसमें समय से पहले आने वाली परिस्थितियों का आकलन करने की क्षमता होती है। ऐसी स्त्री के होने पर व्यक्ति बड़े से बड़े संकट को भी आसानी से पार कर जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि दीपावली के दिन कौन सा अंग चाटने से आप करोड़पति बन सकते हैं और माता लक्ष्मी कृपा पा सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है। दोस्तों, महिला को हमारे हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। तो आप दीपावली के दिन किसी भी महिला का अपमान ना करें, ना ही किसी महिला को गंदी नज़रों से देखें। दिवाली के दिन महिला की इज्जत करें और अपने घर की हर महिला से सुबह उठकर आशीर्वाद लें, उनके चरणों में गिर जाएं और उनके आशीर्वाद से अपना बेड़ा पार कर सकते हैं। कहा जाता है कोई भी महिला अगर दिवाली के दिन सच्चे मन से किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देती है तो माता लक्ष्मी उसके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं। तो आप भी कोशिश करें दिवाली के दिन किसी भी महिला का अपमान ना करें और अपने घर की हर महिला से आशीर्वाद लें, उनके
चरणों में गिर जाएं, उनके चरण दबाएं और उनकी सेवा करें। दोस्तों, यही वो अंग है जिसे मनुष्य दबा देता है या छू भी लेता है तो माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बनाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई जानकारियाँ, नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें।